का नाम साजिश वाला काम। शहर शहर नफरत का प्लान नाकाम। टेरर की कोशिश भरपूर, साजिश चूर चूर। बार बार अपनी नापाक कोशिशों में फेल होने के बाद भी रेल जिहादी लगातार रेलवे ट्रैक को अपना निशाना बना रहे हैं। रेलवे के दुश्मन लगातार रेल को डीरेल करने की साजिश रच रहे हैं। कभी सिलेंडर, कभी सीमेंट ब्लॉक, तो कभी लोहे का खंबा। और जब सब फेल हो गया तो देश के दुश्मनों ने गुजरात के सूरत में नई साजिश रची। रेलवे ट्रैक पर कुछ चाबी और फिश प्लेट रखकर टेरर फैलाने की कोशिश की, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के वडोदरा मंडल में मौजूद केम स्टेशन के पास की, जहां रेलवे ट्रैक पर साजिश के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई निशान नजर आ रहे हैं। हालांकि साजिश का पता लगने के बाद आरपीएफ और अधिकारियों को सूचना दी गई। रेलवे अधिकारियों ने भी सतर्कता दिखाई और ट्रैक पर पहुंचकर साजिश के खेल को फेल कर दिया। वडोदरा मंडल के पश्चिम रेलवे ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश लाइन की पटरियों से फिश प्लेट और कुछ चाबियां खोलकर उसी ट्रैक पर रख दिया था, जिससे ट्रेन परिचालन बाधित हो गया। हमारी टीम ने स्थिति को संभाल लिया और ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। ट्रैक पर मौत का खेल खेलने की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन कोई तो है जो ट्रेन पलटाने की साजिश रच रहा है, ट्रैक पर टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन इस साजिश के पीछे है? आखिर कौन रेल यात्रियों की जान का दुश्मन बना हुआ है? और कब ये रेल जिहादी अपनी नापाक साजिशों से बाज आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर पटना से। आपको बता दें, पटना के एनआईटी कॉलेज में छात्रा की खुदकुशी के बाद लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। तमाम छात्र कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा ने की खुदकुशी। खुदकुशी पर फूटा छात्रों का गुस्सा। एनआईटी कैंपस में रात भर चला हंगामा। पटना के बिहटा एनआईटी में बीटेक की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली, और जैसे ही आत्महत्या की खबर कैंपस में रह रहे दूसरे छात्रों को मिली तो हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना को लेकर छात्रों ने कैंपस में जमकर हंगामा किया। छात्रों में गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक साथी को खो दिया। छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना भी दे रहे हैं। कॉलेज में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन कॉलेज का कोई प्रोफेसर वहां नहीं पहुंचा, जिससे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभी तक क्लैरिटी नहीं दी गई पुलिस के द्वारा, क्या सीन ऑफ इवेंट्स हुआ है, क्या चेन ऑफ इवेंट्स है और किस हालात में ये घटना है। उसकी जान बच सकती थी, बट यहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी है नहीं। जब भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे आप 5000 बच्चा रख रहे हो, किसी को रात में अटैक आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो तो यही पे मर जाएगा आधे घंटे के अंदर। उस लड़की को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं था, तो हम अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ कुछ होगा तो हमें हमारी हेल्प होगी। सुसाइड क्यों किया है ये रीजन किसी को पता नहीं है। बात ये कि उसने ये लिखा हुआ था कि वो मेंटली स्ट्रेस थी, किस वजह से स्ट्रेस थी ये चीजें कोई नहीं जानता है। कैंपस में रात भर छात्रों का प्रदर्शन चला। छात्र मामले की जाँच की मांग पर अड़े हुए हैं। जैसे ही हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और छात्रों को कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिहटा में एनआईटी कैंपस हॉस्टल में एक विद्यार्थी द्वारा सुइसाइड किया गया है। विद्यार्थी का जो बॉडी है उसको ईएसआईसी हॉस्पिटल बिहटा में लेकर गया है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और हॉस्पिटल में भी जाके आगे के अनुसंधान और अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और यहाँ एनआईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बीटेक कर रही थी।
उसने ऐसा कदम क्यों उठाया इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन छात्रा के साथ पढ़ने वाले साथियों की माने तो कॉलेज प्रशासन छात्रा पर दबाव बना रहा था। सुविधाओं के अभाव से छात्रा तनाव में थी। हॉस्टल में निर्माण का काम चल रहा है, छात्रों को जबरन हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। शिकायत करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। मजदूर कभी भी हॉस्टल में दाखिल हो जाते हैं, जिससे हॉस्टल में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। ये वो तमाम आरोप हैं जिससे कॉलेज प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। छात्रों का आरोप है कि कैंपस प्रशासन ने जैसे ही लाश देखी वैसे ही दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने छात्रा की नब्ज तक नहीं देखी। Security people did lock the door. As soon as they opened the door, they saw and aggressively she locked the door. The first thing anybody would do is go and see if the pulse is going on. Something is happening over there. छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हालांकि सुसाइड के पीछे वजह क्या रही इसका खुलासा होना बाकी है, जो कि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।